नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ सुनील कुशवाहा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। काफ़ी टाइम ख़राब चल रहा है क्योंकि मौसम ख़राब चल रहा है। कुंवार का महीना, ये वो कहावत है ना, कुंवार करेला कातिक मई, मरे और नहीं तो गिरे वो सही, ऐसी हमारे कहावत है। और काफ़ी बीमारी फैल रही है तो स्वास्थ्य सही नहीं है थोड़ा सा। और इसी बीच स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर क्या हुआ रिजल्ट, क्या हुआ तेरा वादा, कब तक रिजल्ट आएगा? तो आपको बता दिया जाए काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखिए रिजल्ट रुका क्यों पहले तो ये बताइए, मैं आपको बताता हूँ। गारंटीड केवल एक रीज़न रिजल्ट रोकने का, वो है एमपी पटवारी का फर्जी वाला पकड़ा जाना। इसके अलावा दूसरा रीज़न कोई है ही नहीं रिजल्ट रोकने का, ठीक है? पहले क्यों पटवारी का फर्जी वाला पकड़ा गया, ऐसे में अगर फॉरेस्ट गार्ड में और पकड़ा गया तो फिर तो लग गई वाट। इसीलिए जो फर्जी वाला जो एमपी में चल रहा था पटवारी में, वो पकड़ा गया और उसको देखते हुए आपकी फॉरेस्ट गार्ड की रिजल्ट है उसको रोक के रखा गया है कि भाई जब सब कुछ हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, इलेक्शन लगभग बीत जाएगा, तब जाके कहीं हो सकता है आपका रिजल्ट दे दिया जाए, और उससे पहले तो आने के चांस कम ही हैं। बहुत सारे कह रहे थे कि सर हो सकता है रिजल्ट कोई टेंडर वेंडर नहीं है, कंपनी का रिजल्ट इसलिए नहीं है, या फिर कोई कह रहा था कि सर OBC रिजर्वेशन है। ये सब फालतू की बातें हैं। रिजल्ट रुका है तो मात्र इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि यदि फर्स्ट का रिजल्ट आए तो फर्जीवाड़ा पकड़ा जाए, और यदि फर्जीवाड़ा पकड़ा गया जैसे पटवारी में आंदोलन हुआ था, फॉरेस्ट में भी ऐसे ही आंदोलन होगा, बच्चे नहीं मानेंगे, बच्चे नुकसान करेंगे इलेक्शन में। तो बस यही सब चीज़ें हैं, इस चक्कर में आपका रिजल्ट रुका हुआ है। तो थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा मतलब ये है कि करते रहिए, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नहीं करते रहिए, जब आपका रिजल्ट आ जाए तो मानिए, जब आपकी जॉब लग जाए तो मानिए, नहीं तो पढ़ते रहिए। तो बस यही मेरा आपसे सलाह है कि बस आप पढ़ते रहिए। यूट्यूब पर मुझे कमेंट करना छोड़ दीजिए कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, और YouTube पे आप सर्च करना छोड़ दीजिए रिजल्ट कब तक आएगा। जब आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा किसके थ्रू, आपके क्लास टीचर के थ्रू, आपके सुनील सर के थ्रू, आपको मालूम चल जाएगा। और इसके अलावा देखिए अभी SSC GD की वैकेंसी आई है, उसका आप फॉर्म डाल दिया होगा, उसके फॉर्म चल रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट ईयर आपको बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी 100% आएंगी, रिटायरमेंट चालू हो गए हैं, बहुत सारे रिटायर हो चुके हैं, प्रमोशन चालू हुए हैं फॉरेस्ट में, तो बहुत सारी वैकेंसी खाली हैं MP में। मुझे पता है, मैं वन रक्षक हूँ, मुझे मालूम है, इसलिए उसमें वैकेंसी बहुत सारी आने वाली हैं। हर साल वैकेंसी आएंगी फॉरेस्ट में, कम से कम 5 साल तो लगातार भर्ती होनी है, मैं इसको गारंटी दे रहा हूँ फॉरेस्ट की, तो वो आने वाली हैं। इसके अलावा कांस्टेबल की भी आपकी वैकेंसी आएंगी, तो वैकेंसी बहुत सारी आने वाली हैं। बस आप एक ही आपकी चीज़ जो अच्छा कर सकती है वो आपकी स्टडी, बस पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, गारंटेड आप पढ़ते रहोगे। मेरी दुआ है, दुआ मेरी कभी झूठी नहीं जाती, कि आपकी ज़रूर सरकारी नौकरी लगेगी, ठीक है? तो बस पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए, जीवन में आपका कुछ अच्छा होना है तो वो पढ़ाई कर सकती है। तो रिजल्ट को सर्च करना छोड़ दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा किसके थ्रू, क्लास फर्स्ट चैनल के थ्रू, सुनील सर के चैनल के थ्रू। तो वो अभी तो लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, ठीक है ना? और बहाने तो सब बनाते हैं, लेकिन रिजल्ट आने का रीज़न एक ही है, वो MP पटवारी का फर्जीवाड़ा पकड़ा जाना। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।